बड़ी खबर इस वक्त पंचकुला से है, जहां पर एक्सटेंशन लेक्चरर्स का विरोध जारी है। विधानसभा का घेराव एक्सटेंशन लेक्चरर्स आज करेंगे, और साथ ही ये बड़ी खबर पंचकुला से, एक्सटेंशन लेक्चरर्स का विरोध लगातार जारी है। कई मांगों को लेकर एक्सटेंशन लेक्चरर लगातार विरोध कर रहे हैं। विधानसभा का घेराव करने की भी तैयारी है। एक्सटेंशन लेक्चरर विधानसभा का घेराव भी करेंगे, तो अपनी कई मांगों को लेकर एक्सटेंशन लेक्चरर की ओर से विरोध लगातार किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन उनका जारी है, कई मांगे उनकी ओर से उठाई जा रही है, और इन्हीं मांगों को लेकर आज विधानसभा का घेराव करने की भी तैयारी है एक्सटेंशन लेक्चरर्स की। तो एक्सटेंशन लेक्चरर्स आज विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, ज्यादा जानकारी लेंगे। शशि अरोड़ा हमारी संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गई हैं पंचकुला से। शशि, एक्सटेंशन लेक्चरर्स का विरोध आज देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल अवंतिका, जिस तरीके से जो एक्सटेंशन लेक्चरर्स हैं उन्होंने पहले से चेतावनी दे रखी है, आज वो विधानसभा के घेराव के लिए निकलेंगे, पंचकुला में इकट्ठे होंगे, और वो उनकी जो कुछ मांगे हैं उनको लेकर ये विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। मूल रूप से उनकी मांग है कि उनको जो है पक्का किया जाना चाहिए, जिसको लेकर आज वो विधानसभा के घेराव के लिए कुछ करने वाले जी। शशि, क्या कुछ मांगे हैं जो एक्सटेंशन लेक्चरर्स की ओर से उठाई जा रही है? जी बिल्कुल अवंतिका, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनकी जो मांग है कि इनको पक्का किया जाना चाहिए, क्योंकि अनसर्टेंटी रहती है जॉब में, और दूसरा इनको जो छुट्टियां नहीं मिलती हैं जिस तरीके से रेगुलर एक्सटेंशन को मिलती हैं, इस तरीके की इनकी कई दर्जन भर जो मांगे हैं जिनको लेकर जो है आज विधानसभा के घेराव के लिए कुछ करेंगे। शशि, इसके अलावा कितनी तादाद में जो है एक्सटेंशन लेक्चरर्स जो है वो एकजुट हो रही है पंचकुला में, और साथ ही विधानसभा का घेराव करने की तैयारी है, तो क्या कुछ रणनीति उसको लेकर है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से इन्होंने पहले से ऐलान कर रखा कि आज विधानसभा के घेराव के लिए निकलेंगे, तो पूरे प्रदेश की जितनी भी इनकी जो संख्या सैकड़ों की तादाद में पंचकुला पहुंचेंगे, और पंचकुला से चंडीगढ़ में विधानसभा के घेराव के लिए रवाना होंगे। आपको यहां रोकना चाहूंगी, हमारे साथ इस वक्त एक्सटेंशन लेक्चरर फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ईश्वर सिंह, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। मैडम नमस्कार। जी नमस्कार ईश्वर जी, आज एक्सटेंशन लेक्चरर्स का विधानसभा का घेराव करने की तैयारी है, तो किस तरह से आप लोगों की क्या रणनीति रहने वाली है, और साथ ही क्या कुछ मांगे उठाई जा रही है? मैडम जी, ऐसा है, ऑल हरियाणा एक्सटेंशन लेक्चरर जितने भी हरियाणा के अंदर जो एक्सटेंशन लेक्चरर है वो अपने परिवार समेत आज पंचकुला गोडा ग्राउंड में पहुंच रहे हैं, और 12 बजे तक सभी आ जाएंगे। 28 फरवरी को अपनी जॉब सिक्योरिटी को मांग को लेकर एक्सटेंशन लेक्चरर ने धरना शुरू किया था, और 4 मार्च को जब हम शांतिपूर्वक सीएम हाउस की तरफ जा रहे थे तो पुलिस ने जो है बर्बरता से हमारी बहुत सी बहनें घायल हुई, उसके अंदर अटैक हुआ, वाटर कैनन चला, और जो पीए है हरदीप जी उनसे हमारी मुलाकात हुई थी, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि 2 दिन के अंदर आपकी मीटिंग सीएम साहब से करवा दी जाएगी और आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी जाएगी। लेकिन इतना रोष एक्सटेंशन लेक्चरर के अंदर की आज उनको मजबूर होकर हजारों की संख्या में आना पड़ा, और 1 बजे हम विधानसभा की तरफ चलेंगे। जॉब सिक्योरिटी लेना हमारा अधिकार है और सरकार का देना जो है वो कर्तव्य है। एक्सटेंशन लेक्चरर को बाहर होने की साजिश से हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे, चाहे हमें अपनी जिंदगी कुर्बान क्यों न करनी पड़े। ईश्वर सिंह जी, क्या क्योंकि कई दिन हो गए हैं आप लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को उठा रहे हैं, क्या अभी तक सरकार की ओर से कोई आया बातचीत के लिए, आपसे बात करने के लिए? मैम, सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हरियाणा के शिक्षा जगत के सबसे बड़े मंदिर में पढ़ाने वाले ये प्रोफेसर आज रोडों पे आ रहे हैं। इतने दिन हो गए, पीए हरदीप जी से मीटिंग हुई थी, लेकिन अब तक कोई आश्वासन नहीं, कोई सीएम हाउस की तरफ से हमें कोई मैसेज नहीं, और मजबूर हो गए ये पढ़े लिखे लोग रोडों के ऊपर आने के लिए। तो आज अगर आप विधानसभा का घेराव करने के लिए निकलेंगे, एक बार फिर से वैसा ही अगर किया जाता है पुलिस प्रशासन की ओर से आप लोगों को रोकने के लिए जैसे पहले जो है रोका गया, तो उसके बाद आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखो मैडम, हम कॉलेजेस में पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं, बच्चों को संस्कार देते हैं, शांति प्रिय उनको पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन सरकार हमें मजबूर कर रही है, और हजारों लोगों की जो है वो जॉब के ऊपर तलवार लटकी हुई है, और हम किसी कीमत के पीछे ना रुकेंगे, ना हटेंगे और ना झुकेंगे, और जॉब सिक्योरिटी लेके रहेंगे। स्टेट गवर्नमेंट का कर्तव्य है और उसका संवैधानिक अधिकार है लोगों को रोजगार देना, ना कि लोगों का रोजगार छीनना। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ईश्वर सिंह जी जुड़ने के लिए खबरें अभी तक के साथ में, और बहुत शुक्रिया शशि अरोड़ा आपका भी तमाम जानकारी के लिए। तो एक्सटेंशन लेक्चरर्स का विरोध लगातार जारी है, कई मांगे उनकी ओर से उठाई जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि आज विधानसभा का घेराव करने की तैयारी में है, 12 बजे तक पंचकुला में एक्सटेंशन लेक्चरर्स जो है वो एकजुट होंगे, और उसके बाद में विधानसभा का घेराव करने के लिए आगे बढ़ेंगे। साथ ही ये कह रहा है कि जॉब सिक्योरिटी लेना